लाइव हैकर हो जाता है बैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो वाले क्या हाल चाल है, बढ़िया हो ना हो। तो बात करते हैं आज गेम प्ले के बारे में। तो इसमें क्या है, तुम्हारा भाई ने सोलो 44 किल और भैया गेम बहुत ज्यादा इंटेंस है क्योंकि किल ही इतने ज्यादा आए। तो उतर चुके हैं भैया हॉट ड्रॉप पे और भाई पहले पकड़ेंगे गन और फिर पकड़ेंगे लौंडो को। गाइस, इन दोनों बंदों को निपटाने के बाद में मैं जाता हूँ सेंटर वाली बिल्डिंग में क्योंकि भैया मुझे यहाँ से ट्राइडेंट को भी बचाना था और अपना रिकॉल भी उठाना था और बंदों को भी निपटाना था। तभी मैं क्या देखता हूँ यार, बंदे ऑल लैंड होने लगते हैं और फिर गाइस पता नहीं कैसे फिलहाल जैसे भी हो इस बंदे को निपटा दिया और निपटाने के साथ साथ गाइस अपने किल 4 हो गए एंड अभी हॉट ड्रॉप पे और भी बंदे बचे होते हैं। मेरे रैंडम नंबर 4 को भी किसी ने निपटा दिया। तो भैया पहले तो मैं अपना रिकॉल उठाने की कोशिश करता हूं। सो गाइस वो तो अभी यहाँ पर मैं बाल बाल बच्चा मरते मरते। तो फिलहाल के लिए गाइस इन दोनों को निपटा दिया। निपटाने के साथ आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहूंगा, अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो फटाफट दबा लो और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। एंड गाइस अभी बचे थे यहाँ पर और बंदे तो फटाफट उनको भी निपटाते हैं। सो गाइस सारे बंदे यार एक एक करके सब यहाँ से निकल जाते हैं और गाइस मैं अपनी लूट बाट करता हूँ और अपनी मछली निकालता हूँ। मैं पहुँचता हूँ ऊपर और भैया स्क्वाड हाउस में बैठी होती है एक टीम और देखो तुम्हारा भाई उससे क्या ही खतरनाक तरीके से फाइट लेता है। सो गाइस जैसे मैं इन दो बंदों को नॉक करता हूँ तभी पीछे से यार कोई मेरे को हेडशॉट मारता है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट था वरना अभी मैं नॉक हो जाता और पूरा गेम खराब हो जाता। तो ये फटाफट मैं इधर आता हूँ और जब तक वो बंदा हो जाता है रिवाइव। सो गाइस इन दोनों को निपटाने के बाद में बिना हिल लगाए सीधे मैं पहाड़ी की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि भाई वो बंदा था सांप बना हुआ घास में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और भाई मुझे डर भी लग रहा था कि गोली ना लग जाए उसकी और जगह इतने में ही।
सर गाइस, इस बंदे को निपटाने के बाद मैं फटाफट अपनी मछली बैठता हूँ, उसकी पेटी से भैया मैं ऑटो रिवाइव कार्ड उठा लेता हूँ और निकलता हूँ दोबारा बंदे ढूंढने के लिए। सर गाइस, इन दोनों बंदों को निपटाने के बाद में अपने किल हो जाते हैं गाइस, अभी किल मतलब नॉक है दोनों दोनों को फिनिश करने के बाद हो जाते हैं किल 13। और एक ही बात करना चाहूंगा, कर दोनों सब्सक्राइब चैनल मेरा। प्लीज रिकॉल मी। जैसे ही दिलाता हूँ गाइस, सामने एक बंदा होता है जिसने मेरे नंबर 4 रैंडम को निपटाया था, तो भैया मैं उसका बदला लेने आ चुका था और ये बंदा बहुत ही चालाक होता है। इस बंदे को मारने के बाद में जैसे ही मैं निकलता हूँ, वैसे ही मुझे गाइस एक गाड़ी दिखती है। सर गाइस, ब्रिज पे एक पूरी स्क्वाड आ जाती है जो कि मुझे घेर लेती है, लेकिन तुम्हारा भाई है खतरनाक स्प्रे निंजा टेक्निक वाला, देखो इन टीम को भी कैसे ही निपटाएगा। सर गाइस, मैं एक बंदे को निपटा देता हूँ और दो बंदे भैया कैम करके बैठ जाते हैं, तो फिर क्या था, मैं अपनी मछली को यहीं छोड़ता हूँ, लगाता हूँ निंजा टेक्निक और पीछे जाता हूँ सीधे उन बंदों के सर पे। मेरा थोड़ा मन कर रहा था कि इनके साथ थोड़ा खेल लूँ, लेकिन मैं सोचा फटाफट निपटाओ, भाई साहब बंदों को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं। तो अपने के लिए 18 हो चुके थे एंड गाइस, अभी तक अपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। और गाइस, यहाँ पर हमारे पास ट्राइडेंट भी था भैया, P90 फेवरेट गन भी थी, तो फटाफट यार निकल जाते हैं बंदे पकड़ने। सर गाइस, इन निंजा टेक्निक करने वाले बंदों को तो भैया मैंने निपटा दिया और निपटाने के साथ साथ किल भी अपने 21 हो चुके थे एंड बंदे बचे थे अभी 4। और देखो ये 4 बंदे आखिर कहाँ छुप के बैठे होते हैं। तो और गाइस, सांप से टक्कर मतलब मौत से टक्कर, तो इन दोनों नाग के बच्चों को मारते हैं एंड गाइस बचे थे दो बंदे, उन्हें भी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
सर गई लाल बंदा मुझे मिल जाता है तो फटाफट मैं क्या करता हूँ अपना निकालता हूँ ट्राइडेंट। और भैया मुझे करना था इस बंदे को ट्रोल, तो मैं अपने ट्राइडेंट निकाल करके इस बंदे को ले लेता हूँ अपने बवंडर के अंदर। और देखो अब मजेदार सीन। सर गाइस पहला 25 किल चिकन डिनर अपना हो जाता है। अब चलते हैं अपना दूसरे गेम की तरफ जिसमें क्या तुम्हारा भाई ने सोलो किल खतरनाक। सर गाइस इस गेम में भैया 3 किल मैंने कर दिए थे आते ही। एंड गाइस फटाफट निकल जाता हूँ मैं सेंटर की तरफ क्योंकि तुम्हारा भाई सेंटर की तरफ से बंदों को पेलेगा एंड गाइस अपने किल जो है बनाएगा। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही लेवल का सीन चल रहा होता है। सर गाइस मैं इस बंदे को मारने के बाद मैं इसकी पेटी लूटने लगता हूँ। तभी यार कोई दूर दराज टावर से भैया मेरे पर निशान तके बैठा था। एंड गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर स्कोप चेंज करता हूँ और वैसे ही एक सेकंड के अंदर कोई मेरे को नॉक टू फिनिश कर देता है। तो फिर क्या होता है यार हमारे पास ऑटो रिवाइव कार्ड एक ही होता है। तो भाई देखो फिर सीन। तो यहाँ पर हमारा रैंडम अकेला एक बचा था और भैया ये हमको रिकॉल दे देता है जैसे। तो भैया हम रिकॉल होकर के आते हैं दोबारा से और देखो भैया कैसे अपने गेम में बदला निकालेंगे। Thank you.
तो जैसे ही बंदे को दबाता हूँ उसके 5-10 सेकंड बाद मेरे नंबर 4 को समझ आता है कि पीछे कोई बंदा भी लेटा था। एंड गाइस जब तक वो जाता है मैं उसको निपटा चुका था। इतने में यार सामने मैं कुछ स्क्वाड और स्पॉट कर लेता हूँ और देखो यहाँ पर कुछ और नाग। सर गाइस लाइव हैकर बैन हो जाता है और इसी हैकर को मैंने अभी एक सेकंड पहले नॉक किया था। वो तो वक्त रहते भैया मैंने उसको निपटा दिया और वक्त रहते वो बैन भी हो गया। तो भैया इस हैकर के बैन के लिए और तुम्हारा भाई के एक लाइक के लिए मतलब इस मारने के लिए पुलिस की हैकर की टीम को तो लाइक के चैनल को तोड़ देना और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना, तो मतलब दोनों चीज़ें कर देना और घंटी को खोल देना और कर लेना ऑल पे। तभी उसका लास्ट बंदा आता है, इसके मारने के साथ साथ भाई साहब अपना हो जाता है चिकन डिनर। आई होप आपको दोनों गेम प्ले पसंद आए होंगे, तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बखैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।